दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों, ऐसे बहुत से मरीज मिलते हैं जिनके गले में सूजन हो जाती है, खाना निगलने में दर्द होता है, खाना निगलते हैं जैसा लगता है वो खाना श्वास नली को छीलते हुए जा रहा है, श्वास नली में सूजन हो जाती है, आहार नाल में सूजन हो जाती है, खाना खाने में बहुत दिक्कत होता है, मरीज को परेशानी होती है, खाना भरपेट खा नहीं पाता, दर्द से कराह उठता है। तो जिन किसी भाइयों को यदि ऐसी बीमारी है, खाना निगलने में दर्द हो रहा है, खाना निगलने में कष्ट हो रहा है, आहार नाल में सूजन हो गया है, भयंकर दर्द रहता है, तो जिन लोगों को ऐसी बीमारियां हैं वो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो के फायदे उठाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट, जरूर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जिन लोगों को गले में सूजन है, गले में दर्द है, आहार नाल में सूजन आ गया है, खाना निकलने में तकलीफ है, आहार नाल पतला हो गया है, उसको हमेशा दर्द बना रहता है, मरीज दर्दों से हमेशा पीड़ा से पीड़ित रहता है, तो ऐसे मरीज को मैं बता रहा हूँ घरेलू इलाज, आपको काफ़ी राहत मिलेगा और धीरे धीरे कुछ दिनों में आराम भी मिल जाएगा। परहेज जरूरी है, खट्टे मीठे तल चीज़ें नहीं खाने हैं, मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करना है, नरम खाने का सेवन ज़्यादा करना है, पेट साफ रखना है। आपको क्या करना है, एक गिलास गुनगुने पानी में सेंधा नमक, मालूम है ना, सेंधा नमक अलग आता है, सेंधा नमक डाल करके गरारे करने हैं सुबह शाम या दिन में 3 बार, और एक ही घूंट पानी लास्ट में पी भी लेना है ताकि पानी अंदर तक गले को, आहार नाल को गर्म करते हुए अंदर तक चली जाए। ये आपको प्रतिदिन सुबह शाम करना है या 3 बार करना है। और अब खाली पेट डेली सुबह मटर के बराबर या मटर से थोड़ी बली गोली बनावें हल्दी का और नीम के पत्ते का, खाली पेट आपको डेली सेवन करना है। इसके सेवन करेंगे तो आपको गारंटी कर रहा हूँ, सर्दियाँ बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा, आपको फायदा महसूस, एक हफ्ते के अंदर आपको फायदा महसूस होने लगेगा और धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, धीरे धीरे बीमारी आपकी ये ठीक भी हो जाएगी, समझ गए ना। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।